हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18, पार्ट का नाम है लोक माता अहिल्याबाई। इससे पहले कि मैंने पूरे लेसन जितने भी हैं सब अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, वरना आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास 7th हिंदी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको हम क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन कराएंगे, ठीक है? अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, बहुत बढ़िया चैप्टर है। हमारे इंदौर की जो मालवा प्रांत की लोक माता अहिल्याबाई हैं, उनके बारे में चैप्टर है, किस प्रकार से उनका जीवन बीता, संघर्षमय रहा और उनको लोक माता क्यों कहा जाता है, इस चैप्टर में हमको बताया गया है। पहला प्रश्न आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा कि अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं। देखो बच्चों, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से और समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए उन्हें लोक माता कहते थे, लोगों की, जन की माता। ठीक है बच्चों, मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया? देखो बच्चों, मल्हार राव ने अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना तथा अपने बेटे के समान ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई। उनके ससुर जी थे मल्हार राव, घुड़सवारी सिखलाई। इस तरह अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक के होने की राह पर आगे बढ़ाया। अगर आप छोटा सा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक के होने की राह पर आगे बढ़ाया, इतना भी आप लिख सकते हैं। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली? तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखो, भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। इस भीषण आघात से व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने जन कल्याण के लिए दृढ़तापूर्वक होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली। आप इतना ही इसको लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, भीषण से लेकर संभाली तक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पेशवा राघुबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? जो पेशवा राघुबा थे उनके द्वारा जब आक्रमण किया गया तो अहिल्याबाई ने उनको एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उनको समझाना चाहा कि वो ऐसा ना करें, अगर वो किसी न किसी तरह का हार भी जाएंगे तो उन पर एक लालछन लग जाएगा कि एक स्त्री से हार गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, पेशवा राघुबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघुबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघुका के लिए एक पत्र लिखा। बस आप यहीं तक लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या किया, तो उनको एक पत्र लिखा। आप जी ने पूछा कि किस पत्र में क्या लिखा, तो आप इसको यहीं तक लिख सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है, सौभाग सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया? देखो बच्चों, सौभाग सिंह रामपुरा का सरदार था। उदय सिंह के राणा ने उसकी सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी। मंदसौर के युद्ध क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। 63 वर्ष अहिल्याबाई ने, अब सोचिए आप 63 साल में, है ना, उनने जो है सौभाग सिंह से युद्ध किया और सौभाग सिंह को हराकर उसके सेना के छक्के छुड़ा दिए और सौभाग सिंह को पकड़ लिया गया। यही जो है सौभाग सिंह का जो है बायोडाटा है। भीड़ों द्वारा लूटपाट की समस्या पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो भीड़ों द्वारा लूटपाट जो हुई तो अहिल्याबाई ने क्या किया कि जहाँ पर लूटपाट होगी तो वहीं के भील जो है उसका हर्जाना चुकाएंगे। ठीक है, देखो, भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने अपने विवेक से निपटाई। अब आपको इतना नहीं लिखना है, टाइप का लिखना क्या है, देखो लिखना है आपको। तो बच्चों देखिए क्या किया, अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। तो भीलों के जो सरदार थे, जो लूटते थे, उन्हीं को दायित्व दे दिया उनकी रक्षा करने का, लोगों की। साथ ही यह नियम बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी तो वहां के भील उसकी भरपाई करेंगे। इस तरह समस्या से मुक्ति मिल गई। तो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, तो हमें यह बताना है कि कैसे उनको लोकमाता या फिर उनका पूरा जीवन जो है लोगों के लिए बीता। तो देखो, महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व जो था, उनकी पर्सनैलिटी थी, जुझारू थी। ठीक है, उनमें चतुराई, बुद्धिमानी, राज्य संचालन की क्षमता थी, प्रजा सुखी और संपन्न थी, वह समस्याओं को तुरंत निपटाती थी, सैनिकों के परिवारों की देखरेख करती थी, किसानों को सुविधाएं देती थी, किसानों को कर से बहुत कम लिया जाता था, उन्होंने उद्योग धंधे को भी बढ़ावा दिया। इस तरह से हम उनको कह सकते हैं कि उनका जो जीवन है वो जनहित की मिसाल है। ठीक है, उन्होंने विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, ज्योतिषियों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। इसमें से आप दो दो तीन तीन जो है जैसे लाइनें हैं उनको छांट छांट के जो इम्पोर्टेंट लगे उनको आप लिख सकते हैं इनके आंसर में। ठीक है, पूरा आंसर भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीन आपको खाली स्थान दिए गए हैं, यात्री डैश होकर राज्य में विचरण करने लगे तो निर्भय होकर, निर्भय मतलब बिना डर के। ठीक है,
दूसरा क्या है, देखिए, अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का संचालन किया कुशलता से, और भारत के मंदिर डेस कला के अनुपम उदाहरण वास्तुकला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 1। तो भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न आपसे कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग छाँट कर लिखिए। उपसर्ग बच्चों आगे लगे रहते हैं और प्रत्यय जो है पीछे। ठीक है बच्चों, जैसे प्रशिक्षित में जो है उपसर्ग पता क्या है, प्रशिक्षित में प्रा उपसर्ग है, और जो शब्द है वो क्या है, मूल शब्द है शिक्षित। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि आपको उपसर्ग छाँटना है। पहली में जो है प्रा उपसर्ग है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं आपका आंसर बता दूं, उत्तर में प्रा में प्र उपसर्ग है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको क्रमशः इसी प्रकार से दिए गए हैं, जैसे सा शरीर सा उपसर्ग है, आघात आ उपसर्ग है, सुयोग सु उपसर्ग है। तो आगे आगे वाले जितने भी आपके लेटर हैं ना, वो सब जो है उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे को आपको छाँटना है। देखो, अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के छक्के छूटना, ठीक है बच्चों, छक्के छूटना। गृहकार में दक्ष वधू ने सबका क्या मन मोह लेना, क्या मन मोह लिया। ठीक है, अनैतिक कार्यों की पोल खुलने से व्यक्ति के मुंह पर कालिख लगना, कालिख लग जाती है। अहिल्याबाई की वीरता के सभी क्या थे, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी, तो जी सही हो जाएगा। अहिल्याबाई ने पेशवा के सामने घुटने ना टेके, तो घुटने ना टेकना। विदेशी भी भारतीय नारियों की वीरता देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, तो दांते तली उंगली दबा लेना। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, वो आंसर आपके यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो सीलवान का हो जाएगा सीलवती, बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, सुत का सुता, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, ठाकुर और ठाकुरायन। इस तरह से आप इनको मिला देंगे। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।